ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक तरीके से बैठी है। बिल्ली ने रास्ता काटा तो सच में हमें खराब रास्ता मिल गया दोस्तों। ये तो खतरनाक वाला रोड मिल गया मुझे। मुझे जाना है बलिया और मैं बलिया की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। यहाँ एक रास्ता है, किसी गांव में मैं भटक चुका हूँ। ये एक अलग ही चैलेंज हो गया। सामने कुछ है, कुछ है। एक अनजाना सा खतरनाक सफर में बलिया के अनजान रोडों पे आप लोगों के साथ इस मोटो ब्लॉगिंग के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया घूमने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते से वापस नहीं आता हूँ, एक नए रास्ते को ढूंढता हूँ, उस नए रास्ते से रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचता हूँ। आइए देखते हैं आज का ये रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। दोस्तों ये पूरा रोड खाली है, एकदम सुनसान रास्ते पे मैं आ गया हूँ। मतलब ऐसा भी जगह है जहाँ एकदम खाली खाली सुनसान। मुझे लगा था कि गांव-गांव से होते हुए जाएगा तो कुछ ना कुछ तो घर दुकान ऐसा चीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रोड को पकड़ के आगे बढ़ता जा रहा हूँ और देखता हूँ ये रोड कहाँ तक मुझे लेके जाता है। कभी कभी मन में ख्याल आ रहा है कि मुड़ जाऊँ, शायद शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया आ रहा है यही आ रहा है कि अगर मैं कहीं से मुड़ता भी हूँ तो वापस उसी रोड में जाऊँगा। और क्यों? क्योंकि साइड में नदी थी, उसको पार करके मैं आया था। अगर नदी पार करूँगा तो दूसरे रोड में जाऊँगा। खाली खाली रोड और केवल मैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ताकि न कोई घर दिखाई दे रहा है, कोई कोई दिख रहा है क्योंकि आबादी तो है ही, एकदम खाली नहीं है। फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई पुतो पुल आएगी। जैसे रोड पर सीधा आ रहा है ये मुड़ गया तो मुझे एक अलग टाइप का डर हो गया कि हम तो सीधा जा रहे थे तो बलिया से दूर नहीं जा रहे थे, अभी हम ऐसे सीधा जा रहे थे लेकिन रोड ऐसे जाके ऐसे मुड़ गया, तो मतलब हम बलिया से अब दूरी की तरफ बढ़ने लगे। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। हम चैलेंज लिए हैं तो पूरा तो करना पड़ेगा। बलिया। और गांव का क्या नाम है? अख्तियारपुर। क्या नाम शिवा? ट्रैकर शिवा। अभी मैं अख्तियारपुर में हूँ और ये तीन भाई मिले। हाय करिए। ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर बन गए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अख्तियारपुर गांव में थे, कुछ लोग मिल गए हमें यहाँ पे और हमारे सब्सक्राइबर बन गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया दोबारा आने के लिए। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आएंगे। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप तीन लोग थे, तीनों लोग अपना अपना नाम कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम पहचान सकें आप लोगों को। और एक भाई साहब मिल गए जिनको आगे कहीं जाना था तो वो हमारे भाई के पीछे बैठे हैं। सीधा आ रहे थे तो फिर हम राइट टर्न कर लिए क्योंकि ये मटही रोड जाएगा और सीधा जाते तो हम और ज़्यादा बलिया से दूर चले जाते। तो हमें बलिया की तरफ जाना है। हमने पीछे आपको बताया था कि रोड राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया था तो हम बलिया से दूर जाने लगे थे, अभी राइट मोड़ लिए हैं। तो ये सामने पुल आ रही है जो मैं गेस किया था एक बार, जो मैं गेस किया था वही पुल आ गई। ये है मटिही की पुल, ये है ना पुल। अच्छा, ये रोड रसड़ा जाएगा और ये रोड चिलकहर जाएगा। चिलकहर से आप इधर जाइए, बलिया में जाइए। हाँ हाँ, यहाँ का मार्केट है। 5 किलोमीटर पड़ेगा चिलकहर। चलिए ठीक है। चैनल सब भाई साहब को हम छोड़ दिए क्योंकि उनको यहाँ से मार्केट करना था और हम आगे की तरफ बढ़ गए। ये रोड सीधा चिलकहर की तरफ जाएगा। अगर हम सीधा जाएंगे तो बलिया से बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे, जो इसकी डिस्टेंस पड़ेगी इस रोड की वही हमें एक्स्ट्रा पड़ेगी। और अगर हम इस रोड से थोड़ा भी लेफ्ट मुड़ते हैं तो हम बलिया से दूरी की तरफ बढ़ने लगेंगे। इस अभी भी मेन रोड हमें मिला नहीं है, मोटी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अभी तक और सुनसान रास्तों के बीच में हम और आप। देखते हैं कहाँ लेके जाती है आज की राइड।
मौसम काफी अच्छा हुआ है, इधर सामने सनसेट हुआ था तो थोड़ा थोड़ा केवल अभी रोशनी दिखाई दे रही है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है। दोस्तों मेन रोड दिख रहा है क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं और मैं पहुंच चुका हूं चिलकोहर। दोस्तों आप सभी का फेफना में हम आ चुके हैं वापस से फेफना। हम ये गाड़ियां जिधर से आ रही है इस साइड से हम गए थे, सीधा आए थे और वहां से हम लोग इधर गए थे। तो इस रोड में हम चलते हैं और इस रोड से होते हुए हम बलिया निकलने की कोशिश करेंगे। ये रोड चला जाता है गढ़वाल और उस रास्ते से हम पिछली राइड में भी गए थे, उसी रास्ते पे निकले थे हम पिछली राइड में, लेकिन वो राइड हमारी दूसरे साइड की थी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस रास्ते पे हम ना जाएं। और ये रहा फेफना का रेलवे स्टेशन। देखिए एक रास्ता मुझे दिखा, एक ये रास्ता देखा और एक ये रास्ता देखा। हम इस रास्ते को पकड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बलेजी चट्टी से हम मुड़ चुके हैं बलिया की दिशा में और ये रास्ता कहाँ तक लेके जाएगा हमें खुद नहीं पता है। हम कोशिश करेंगे कि बलिया की दिशा में चलते रहें और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बलिया की दिशा में चलते रहें। काफ़ी खतरनाक रास्ता लग रहा है दोस्तों, इधर भी नीचे इधर भी नीचे सुसुन सुसुन सुन आवाज़ आ रही है और कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, कोई है ये कोई था साइकिल से। अभी हम आगे बढ़ गए हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है ये रास्ता, कौन सा गांव है हमें खुद नहीं पता है। उसी रोड को पकड़ के बलेजी चट्टी से हम मुड़े थे, सीधा चलते जा रहे हैं और हमें अभी कोई रास्ता नहीं कहेंगे बिल्ली। ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक तरीके से बैठी है। कितना खतरा, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मैंने खुद कटवा लिया इससे। और लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ होता है। ये कोई माता रानी का स्थान है, ये तो हम किसी ऑफ रोडिंग कच्चे रास्ते पे आ गए हैं दोस्तों। ये सीधे कहाँ जाएगी रोड का मिठवार गांव का नाम। बहुत बड़े ऑफ रोडिंग में हम आ चुके हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो सच में हमें खराब रास्ता मिल गया। क्या करें, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में मैं सही किया कि गलत किया। फिलहाल मैं इसी रोड से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, टूटा फूटा रोड है, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। गलत कर दिया मैं इस रोड में आके, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे फील हो रहा है कि मुझे नहीं आना चाहिए था। फिर भी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो खतरनाक वाला रोड मिल गया मुझे, दिन का समय होता तो कुछ अलग बात होती, रात का समय है और मैं एक अनजान रास्ते पे अनजान गांव में आगे बढ़ चुका हूँ। उन्होंने बताया कि रास्ता मिठवार जाएगा, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। और मुझे जाना है बलिया और मैं बलिया की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। ये एक रोड मिला, इधर जाऊँगा, अगर मैं इधर जाऊँगा तो गलत दिशा में चला जाऊँगा, इसलिए मैं इधर आगे बढ़ता हूँ। ये भी रोड जाता है क्या, मैं इस रोड में आगे बढ़ता हूँ। इधर भी एक रास्ता जा रहा है लेकिन शायद मिठवार गाँव है। मैं इस रोड से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, अपने तरह अंदाजे से मैं बलिया के दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ लेके जाता है ये रोड मुझे। यहाँ एक रास्ता है, किसी गांव में मैं भटक चुका हूँ। ये कहाँ लेके जाएगा रोड, पता नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता।
फिर मुझे जाना है बलिया, ये एक अलग ही चैलेंज हो गया। देखते हैं, आगे टूटा हुआ रोड मिल गया, फिर से वहाँ तक सही रोड था, आगे टूटा हुआ रोड मिल गया, अब फिर हमें सही रोड मिल गया। देखते हैं, मेहनत करते हैं सही दिशा में जाने की। जब हमें लगेगा कि हम अब नहीं जा पाएंगे, उसके बाद हम गूगल मैप का सहारा लेंगे और सही रास्ते को पकड़ेंगे। फिलहाल चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए किसी सही रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं, जो बलिया की दिशा में। अभी मैं अपने अंदाजे से बलिया की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। अभी मैं एक लिंक रोड पे आ गया हूँ, जो किसी न किसी मेन रोड पे जाके निकलेगी, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। अगर आप किसी गांव में कभी कहीं भटक जाए, इधर भी जा रहा है इधर भी, तो ये बलिया की तरफ दिशा, ठीक है। तो अगर आप गांव में या कहीं भी भटक जाए, तो ऐसी रोड की तलाश कर सकते हैं जिस रोड का मैं तलाश किया, ऐसा लिंक रोड, पीच वाला रोड, जो किसी न किसी मेन रोड से जाके मिला होता है, और इससे मिली होती है गांव की सड़कें। टूटा हुआ रास्ता एक टूट गया है, आगे से काफी, सामने कुछ है। ओह, ये है कंस्ट्रक्शन वाली मशीन। अगर कोई रास्ता मुझे इस दिशा में मुड़ा हुआ, मतलब राइट साइड में मुड़ा हुआ कोई रास्ता मिलता है अच्छा, तो मैं मुड़ सकता हूँ, क्योंकि वो बलिया की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये रास्ता खुद जाके किसी मेन रोड पे निकलेगा, और देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये रास्ता। दोस्तों, ये रास्ता फिर से मुझे किसी गाँव में लेके आ गया। मैं बोला था दोस्तों, पीछे एक और मोड़ मिला था जहाँ दो रास्ते दो तरफ जा रहे थे, मैं अपने अंदाजे से बलिया की तरफ मुड़ गया और मुझे रोड दिखाई दिया। एक रास्ता है, ओह नो, ये तो रेलवे लाइन हो गया, तो मतलब मैं रेलवे लाइन के पास आ गया। तो इधर से कहीं जाता है क्या? ये तो रेलवे लाइन है, और उधर सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, मेन रोड, इस साइड मेन रोड दिखाई दे रहा है, और ये रास्ता कहीं जाता है क्या? इधर से रास्ता गया है, अब पता नहीं कि रेलवे लाइन को क्रॉस करने का कौन सा उपाय होगा। वापस चलते हैं, उधर एक रास्ता गया था, उस रास्ते को पकड़ के देखते हैं, वो शायद कहीं क्रॉसिंग पे लेके जाए। हम इधर से आए थे, अभी इधर फिर जा रहे हैं, शायद ये रास्ता किसी हमें क्रॉसिंग पे लेके चला जाए। सामने गेट है, अच्छा रास्ता मुड़ा है। अभी उसी लिंक रोड को पकड़ के हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता आगे से बंद था, बिल्ली ने रास्ता काटा था और मैं भटक गया। देखते हैं कैसा मैसेज हो रहा है मेरे पे। अरे भाई, बहुत ही खतरनाक था, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था। पीछे इतने बड़े बड़े गड्ढे, जैसे ही गड्ढे में कूदा, कुत्ते भौंकने लगे एकदम। कि मैं बलिया पहुंच चुका हूं, मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। उसके बाद मैं गूगल मैप के सहारे उस रोड से गढ़वाड़ रोड में आके निकला, गढ़वाड़ रोड में अलावलपुर के पास आके निकला, और अभी मैं बलिया पहुंच चुका हूं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक अलग राइड में। अगर आप बलिया से हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके एरिया में भी मैं आ सकता हूँ। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।